स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो आप लोग देख सकते हो, गार्डन में बैठ के बना रहा हूँ क्योंकि भैया चीज़ें आप लोगों को समझानी है। अगर मैं चलता फिरता रहूंगा तो पीछे की चीज़ों पे डिस्ट्रैक्शन होगा, इसलिए आज का वीडियो शांतिपूर्ण रहने वाला है। और अगर आपने पिछला वाला वीडियो अपना देखा है तो मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा बहुत डिप्रेशन जैसा हुआ होगा कि भाई कैनेडा में जॉब्स बची भी है कि नहीं बची है, अब क्या करें, कैनेडा जाए ना जाए, गए तो सर्वाइव कैसे करेंगे, और इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है अगर पार्ट टाइम जॉब्स में ही तो हम लोग स्टैंड आउट कैसे करेंगे। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर रहने वाला है, सारा डिप्रेशन आप लोगों का मैं कोशिश करूंगा कि सारा ही दूर हो जाए, लेकिन कुछ हद तक तो दूर हो ही जाएगा क्योंकि आज के वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे जो आप लोग पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के समय या फिर पार्ट टाइम जॉब ढूंढने से पहले भी अप्लाई कर सकते हो। उन टिप्स एंड ट्रिक्स से क्या होगा कि जितना भी कॉम्पिटिशन है, जैसे 100-100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को स्टैंड आउट कैसे होना है, आप लोगों का रिज्यूमे कैसे सिलेक्ट हो और आप लोगों को पार्ट टाइम कैसे मिले उसकी बात करेंगे। पार्ट टाइम कुल मिला के ढूंढनी कैसे है कैनेडा में उसकी बात चल रही है यहाँ पे, और क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। तो चलिए बात करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो गाइज अगर पहली चीज़ की बात कर ले, पहली टिप एंड ट्रिक्स की, तो भैया कि पार्ट टाइम ढूंढनी कैसे, शुरुआत कैसे करनी है। आप लोग जैसे कनाडा लैंड करते हो, किसी घर में भैया शरण लेते हो, या फिर आपने घर या एयरबीएनबी जो भी बुक कर रखा है, या फिर आपने अगर घर कंफर्म कर रखा है तो उसमें सारा सामान जमा देते हो। चलिए मान लेते हैं पहला दिन और दूसरा दिन आपका इसी में चला गया। अब बात करते हैं कि तीसरे दिन से आप लोगों को क्या करना चाहिए ताकि आप लोगों को जॉब जल्दी मिल जाए दूसरे लोगों के कंपेरिजन में। देखो होता क्या है, मैं बताता हूँ कि जैसे कि मेरा मैं ही इंटेक था तो मैं आ गया था अप्रैल में, ठीक है। अब किसी का सितंबर इंटेक है तो वो अगस्त में आ जाएंगे, है ना, और किसी का जनवरी इंटेक है तो वो दिसंबर में आ जाएंगे। अब क्या होता है कि भैया लोग सोचते हैं कि यार देखो जैसे कॉलेज खुलेगा तब तक तो हम पार्ट टाइम कर नहीं सकते, कॉलेज खुलने के बाद ही हम लोग पार्ट टाइम कर पाएंगे, तो एक काम करते हैं कॉलेज खुलने के बाद ही पार्ट टाइम के लिए अप्लाई करते हैं और ढूंढना शुरू करते हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसे आपका जो भी कॉलेज है यहाँ पे, जैसे जॉर्जियन कॉलेज है, आप कहीं और रह रहे हो तो वहाँ सेनेका वगैरह जो भी कॉलेज है, सारे ही बच्चे ऐसे ही सोच रहे हैं कि भैया हम अभी तो कर नहीं सकते तो अभी ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं है, कॉलेज खुलने के बाद ढूंढेंगे। अब जैसे ही कॉलेज खुलेगा एक एक शॉप पे दिन के 200-200, 300-300 रिज्यूमे जाने चालू हो जाएंगे क्योंकि सारे ही लोग ढूंढ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही आप कनाडा में लैंड कर जाते हो एक या दो दिन के अंदर आप लोगों को रिज्यूमे वगैरह बना लेना है, अपना सारा सेटलमेंट कर लेना है, सामान वगैरह जमाने वाला, घर वगैरह जो भी आपको करना है वो कर लेना है, और तीसरे दिन से ही मैं बोलता हूँ कि आप लोग पार्ट टाइम ढूंढना शुरू कर दो और पार्ट टाइम के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो। अब है ना, इसमें क्या होता है कि आप लोग अप्लाई करना शुरू कर दोगे तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो पहले से ही ढूंढना शुरू कर रहे, क्योंकि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो वो आपसे अवेलेबिलिटी पूछेंगे कि भैया किस तारीख से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, तो उसमें आप बता सकते हो कि भाई मेरा कॉलेज किस तारीख को खुलने वाला है, उस तारीख से मैं यहाँ पे काम कर पाऊंगा। तो पहली टिप तो यही हो गई कि भैया आप वेट मत करो कि कॉलेज चालू हो उसके बाद मैं अप्लाई करूँ, आप लोग जैसे आते हो एक या दो दिन में रिज्यूमे बना के पार्ट टाइम ढूंढना शुरू कर दो। अब बात करते हैं दूसरी टिप की कि भैया आपको ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए या फिर ऑफलाइन अप्लाई करना चाहिए, क्या चल रहा है कनाडा में। हाँ तो गाइस अब अगली बात की बात करते हैं कि भैया आपको ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए ऑफलाइन अप्लाई करना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ नहीं कि मैं अप्रैल में आ गया लेकिन मैंने मई से मतलब ढूंढना शुरू किया, तो मैंने अप्रैल से मई लगभग 10-15 दिन क्या किया, 10-15 दिन मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, या फिर माई वर्क प्लेस या ऐसा कुछ है वेबसाइट, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ पर अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब मैंने लगभग 100 या 150 एप्लीकेशन डाल दी अलग अलग कंपनीज में अलग अलग पोस्ट के लिए, और कहीं से भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। आ रहा है तो ऐसा आ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट सिलेक्टिंग यू। तो फिर भैया मेरा दिमाग सटक गया मतलब मेरे को लगा भाई देखो ऑनलाइन का कोई फ़ायदा नहीं है, एक का भी अगर इंटरव्यू वगैरह कुछ आता, इंडीड पे अप्लाई करते हो तो क्या होता है, एक या दो घंटे के अंदर अंदर एक असेसमेंट आ जाता है, उसमें आपसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया अगर एंग्री कस्टमर हुआ तो क्या ये वो, तो आप लोगों को लगता है अरे मैं तो सिलेक्ट हो गया इसलिए मेरा ये टेस्ट आया, भैया वो इंडीड वाले ऑटोमेटिकली ही भेज देते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आपका रिज्यूमे देख लिया और आप लोग सिलेक्ट हो गए हो। तो है ना, मैंने जब अप्लाई किया 15 दिन तो 15 दिन में कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, फिर मैंने सोचा भैया जो होगा देखा जाएगा, अब मुझे ऑफलाइन अप्लाई करना है। तो यही टिप है कि भैया ऑनलाइन के भरोसे मत बैठो, मैं तो बोलूँगा दिन का रात का एक घंटा निकालो ऑफलाइन अप्लाई करने, मतलब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इंडीड वगैरह पे, और बाकी पूरा दिन आप लोग क्या करो ऑफलाइन अप्लाई करो, रिज्यूमे हाथ में लेके जाना है और आप लोगों को ऑफलाइन हर स्टोर में जाके, हर जो भी सुपर मार्केट दिखे या जो कुछ भी आपको दिखता है ना, आपको पता भी नहीं है कि भाई इसके अंदर मिलता क्या है, कपड़े मिलते हैं या क्या मिलता है, भैया चले जाओ अंदर रिज्यूमे देख के आओ
तभी आपका कुछ काम बनने वाला है। भैया शर्माने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करने का भी मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं लगा। अगर आपकी किस्मत है तो 1000 में से एक बंदा सिलेक्ट हो जाएगा, और किस्मत आप लोगों को भी पता है कि आपकी भी बुरी है, मेरी भी बुरी है, इसलिए मैं तो बोलूँगा ऑफलाइन ही ट्राई करो। अब बात करते हैं कि ऑफलाइन में भी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को अपनानी चाहिए कि भैया आप लोग है ना, आप मैनेजर के ऊपर आपका इंप्रेशन पड़े जाते ही है ना, और आपको रिज्यूम में किसको देना है उसकी बात कर लेते। मान रहा हूँ कि आप लोग ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए कन्विंस हो चुके हो कि भैया अब मुझे तो जाते हैं ऑफलाइन ही अप्लाई करना है, उसके अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए पहली चीज़ तो ये कि आप लोगों का रिज्यूमे आपको मैनेजर को ही देना है चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप लोग क्या करो, सुबह 8 या 9 बजे जितनी भी बजे स्टोर वगैरह खुलते हैं, मोस्टली सारे लोग सारे जो भी स्टोर या रेस्टोरेंट या जो भी होते हैं वो 10 बजे खुलते हैं सुबह, तो आप लोगों को सुबह 10 से शाम को 3-4 बजे तक सबके मैनेजर होते हैं ऑलमोस्ट। अब कोई कोई शॉप या फिर रेस्टोरेंट या ऐसा हो सकता है जिसके अंदर मैनेजर शाम को आता हो 5-6 बजे, बाकी मोस्टली में सब में सुबह होता ही है। तो आप लोगों को क्या करना है, सुबह 10 बजे रिज्यूमे लेके निकल जाना है, और जाते ही पूछना है कैन आई मीट टू द मैनेजर। वो लोग आपसे अंदर काम करने वाले ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इट इज़ अबाउट, व्हाई यू वांट टू मीट द मैनेजर, या फिर वो लोग डायरेक्ट मैनेजर से मिलवा भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जिससे जाके पूछ रहे हो वही मैनेजर है। तो आप लोगों को बता देना है कि एक्चुअली आई वॉज लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम, तो भैया हो सकता है कि वो बंदा ही आपको बोल दे कि नो वी आर नॉट करंटली हायरिंग, ऐसा बोल दे। तो आप लोगों को क्या करना है, वो शॉप का या फिर स्टोर का नाम याद रखना है, अगली बार वापस आना है जब मैनेजर उस जगह हो। तो भैया मैनेजर से मिलना है आप लोगों को, मैनेजर से पूछना कि आर यू गाइस हायरिंग, एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर पार्ट टाइम, ठीक है। तो फिर वो मैनेजर को हायर करना होगा, तो ऑन द स्पॉट हायर कर लेगा, और अगर वहाँ पे कोई जॉब वैकेंसी नहीं है तो आपका रिज्यूमे ले लेगा आपका दिल रखने के लिए। अगर उसने ऑन द स्पॉट हायर नहीं किया, रिज्यूमे रख लिया दैट वी विल लेट यू नो या फिर वी विल हायर शॉर्टली, तो 90% आप लोग समझ लो कि वहाँ से कोई जवाब आने वाला नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कि आप जब रिज्यूमे लेके जा रहे हो तो उसमें आप लोगों को किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि मैनेजर के ऊपर आपका इंप्रेशन पड़े, क्योंकि रिज्यूमे तो हर कोई लेके जाएगा, उसमें आपको कैसे स्टैंड आउट होना है, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे भी, और मेरे दोस्तों के वहाँ पे भी मैंने ऑब्जर्व किया है। अगर आप लोग मैनेजर को रिज्यूमे नहीं देते हो तो क्या होगा कि अंदर जो काम करता है आपका रिज्यूमे ले लेगा, या फिर बोल देगा वी आर नॉट हायरिंग, रिज्यूमे लेके फाड़ के फेंक देगा, क्योंकि भैया वो क्यों चाहेगा कि उसके घंटे कम हो जाए। उसको अगर 20 घंटे मिल रहे हैं, एक और बंदा हायर कर लिया तो 15-15 दोनों को देगा, या फिर 10-10 दोनों को देगा, तो वो क्यों चाहेगा कि उसकी जॉब खतरे में आ जाए, है ना। तो वो फाड़ के फेंक देगा। तो आप लोगों को क्या करना है, अगली बार वापस आना है जब वहाँ पे मैनेजर हो, उससे पूछ लेना कि व्हेन कैन आई मीट द मैनेजर, या फिर मैनेजर कब होगा स्टोर में, है ना। वो जो भी टाइम बताएगा कि भैया इस दिन में इस टाइम पे आता है, तो उस टाइम पे आपको वापस जाना है उस स्टोर में या फिर उस शॉप में या रेस्टोरेंट में, और आप लोगों को वहाँ पे रिज्यूमे मैनेजर को ही पकड़ाना है। अब बात करते हैं कि भैया आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जब रिज्यूमे लेके आप अंदर घुस रहे हो, या फिर स्टोर के अंदर घुस रहे हो, या फिर रेस्टोरेंट के अंदर घुस रहे हो, तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। अब मैं बता देता हूँ भैया कि देखो बहुत सारे, मैं जहाँ पे काम करता हूँ ना वहाँ पे भी लिटरली इतने ज़्यादा लोग रोज़ आते हैं ना जॉब के लिए पूछने के लिए, तो सबके लिए एक ही जवाब होता है मैनेजर की तरफ से। मेरे से पूछते मैं बोलता हूँ आई एम नॉट श्योर वी आर हायरिंग और नॉट, यू कैन टॉक टू द सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र होती है या मैनेजर होता है, मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ कि वो देखो वहाँ पे काम कर रहा है, उससे जाके पूछ लो अगर हायर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व की है जो बच्चे आते हैं, और क्या मैंने डिफरेंट किया था कि मेरे को जॉब मिल गई, मेरे को क्या डिफरेंस लगा कुल मिला के उनके अंदर और मेरे अंदर, या फिर जिसको जॉब मिल जाती है उनके अंदर और जिनको जॉब नहीं मिलती है उनके अंदर। तो गाइस पहला टिप तो यही है कि आप लोग जब भी जॉब के लिए अंदर जा रहे हो स्टोर में या फिर किसी भी रेस्टोरेंट में, तो रिज्यूमे कभी भी बैग के अंदर रख के मत जाओ, हाथ में लेके जाओ। क्यों भैया, उसकी बात कर लेते हैं। देखो बैग में रख के जाओगे तो वो सोचेगा भाई ये बंदा काम करेगा भी या नहीं करेगा, ये या फिर ये तो ऐसे ही भटकता फिर रहा है, इधर उधर बोल रहा होगा सब जगह पे कि आर यू गाइस हायरिंग और नॉट। और रिज्यूमे हाथ में लेके जाओगे तो उसको लगेगा हाँ चलो ये बंदा या बंदी जो भी आई है, चलो ठीक है, ये है ना फिट लग रही है काम करने के लिए या फिट लग रहा है काम करने के लिए, मेरे को जैसा जैसा काम करना है वैसा ये काम कर लेगा। आपकी पर्सनैलिटी भी वो चेक कर लेगा उसी टाइम पे, और सोचेगा कि चलो इसका हाथ में रिज्यूमे है तो मैं एक बार देख ही लेता हूँ कि इसने क्या क्या काम किया है और क्या क्या इसकी अवेलेबिलिटी है ना। तो एक बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है अगर आप लोग रिज्यूमे हाथ में लेके जाते हो कि चलो भाई ये बंदा काम करने के लिए रेडी है, एक बार देख तो लेता हूँ कैसा बंदा है। हायर करना है नहीं करना है वो अलग बात है, जॉब की ज़रूरत है नहीं है हमारे स्टोर में वो अलग बात है, एक बार देख तो लूँ कैसा बंदा आया है ना। तो उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है। मेरे स्टोर में भी ऐसा हुआ है कि है ना एक बंदा आया रिज्यूमे
बैग में रख के और पूछा कि आर यू गाइस हायरिंग, तो उसने बोला यू कैन अप्लाई ऑनलाइन, वी आर नॉट हायरिंग एज ऑफ नाउ। अगर कोई और स्टोर हायर कर रहा होगा तो वो वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा, वहाँ पे अप्लाई कर दो। 10 मिनट बाद एक बंदा आया हाथ में रिज्यूमे लेके, उसकी पर्सनैलिटी वगैरह देख के उस मैनेजर को लगा कि चलो एक बार देख तो ले कैसा बंदा है, तो उससे ना तुरंत एम्प्लॉयमेंट फॉर्म भरवा दिया और बोला कि जब भी हमारी हायरिंग चलेगी आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। मतलब अभी तो हायर नहीं कर रहे हैं लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपका रहेगा। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर, बैंक के अंदर रिज्यूमे लेके जाना और पूछना और हाथ में रिज्यूमे लेके जाना और पूछना। तो आप जहाँ पे भी जाओ रिज्यूमे हाथ में लेके ही जाओ, पहली टिप तो ये है। सेकेंड टिप की बात कर लेते हैं कि आप लोगों को जाके पूछना कैसे, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए या फिर आपका बॉडी पोस्चर एटीट्यूड कैसा होना चाहिए पूछने के लिए, ताकि आप लोगों वो मैनेजर को लगे कि आप लोग एक परफेक्ट फिट हो उसके लिए। चलिए बात करते उस चीज़ की। इस दूसरी टिप की बात करते हैं कि आप लोग जब रिज्यूमे लेके जा रहे हो अंदर तो आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए और बात करने का तरीका क्या होना चाहिए। देखिए क्या होता है कि आप जैसे किसी में भी स्टोर में जा रहे हो या फिर मान लो कि आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो या पिज़्ज़ा शॉप में जा रहे हो, जहाँ पे भी जा रहे हो, पहले आप जान लो कि भैया वो किस चीज़ की दुकान है या फिर किस चीज़ का स्टोर है या फिर किस चीज़ का रेस्टोरेंट है। जैसे चाइनीज़ रेस्टोरेंट हो गया तो चाइनीज़ है, पिज़्ज़ा मिलते हैं वहाँ पे, या फिर कोई सुपर मार्केट हो गया, या क्या क्या चीज़ क्या है भैया, वो रिटेल है या फिर उसके बारे में आपने जब जान लिया, आप अंदर जाके बोलोगे कैन आई मीट टू द मैनेजर। आपको मतलब ऐसे नहीं बोलना कैन आई मीट टू द मैनेजर, भैया ऐसे बोलोगे तो आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है, तो भैया जो सामने खड़ा होगा वो मैनेजर से ना आपको मिलवाएगा और ना आपका कुछ काम बनने वाला है। कॉन्फिडेंस में बोलना है एक्चुअली कैन आई मीट टू द मैनेजर, आई वॉन्ट टू हैव अ टॉक विथ हिम। भैया ऐसे बोलोगे तो आप लोगों का क्या थोड़ा बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा कि चलो कुछ इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, या फिर ये बंदा एटीट्यूड वाला है, या फिर मतलब एटीट्यूड वो वाला एटीट्यूड नहीं, मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा है। आप लोग जब भी बात करोगे फिर मैनेजर से तो आप लोगों को ऐसे पूछना है, मतलब मैंने भी देखा है मेरे वहाँ पे कि बहुत सारे मतलब थोड़े भोले ही लोग होते हैं जो आते हैं पूछते हैं जॉब के लिए, तो वो ऐसे पूछते हैं एक्चुअली आई वॉज लुकिंग फॉर पार्ट टाइम, आर यू गाइस हायरिंग। भैया देखो इसमें क्या इंप्रेशन पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है डल सा बंदा है, क्या काम क्या ही काम कर लेगा। और भैया आप जाके ऐसे बोलोगे, आपने थोड़ा बहुत स्टोर के बारे में जान लिया है और मान लो कि रिटेल शॉप है, तो आप लोग ऐसा बोलोगे एक्चुअली आई हैव सीन मैनी वीडियोज अबाउट दिस स्टोर, दिस स्टोर इज़ वेरी इंप्रेसिव एंड आई लाइक टू वर्क इन रिटेल, एक्चुअली इन माई प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑल्सो आई वर्क अबाउट दैट, सो आई वॉज क्यूरियस टू नो दैट आर यू गाइस हायरिंग एज ऑफ नाउ, आई वॉज लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम। ऐसे बोलोगे तो भैया मतलब मैनेजर के अंदर भी इंप्रेशन आएगा, भाई चलो इसने सब कुछ ही बता दिया है, पहले रिटेल में काम किया हुआ है, इसको रिटेल में काम करना पसंद है, ये जो स्टोर है इसके बारे में भी इसको पता है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है, चलिए एक बार देख ही लेता हूँ कि बंदा कैसा है, चलिए एक बार इसका रिज्यूमे तो देख ही लेता हूँ। तो वो भैया हायर नहीं कर रहा होगा ना, तो भी आपका पॉजिटिव एटीट्यूड इतना ज़्यादा अच्छा होगा कि वो है ना हायर कर ही लेगा, दूसरे के घंटे कम कर लेगा लेकिन आपको हायर कर लेगा। तो ये आप लोगों को हमेशा से ध्यान रखना है कि भैया आप जब भी अंदर जाओ कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, ऐसे डल रह के नहीं बोलना है। डल रह के बोलोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को हायर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टोर वगैरह होते हैं सबके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा चाहिए, थोड़ा एक स्ट्रांग बंदा चाहिए, चाहे आप अंदर से कैसे भी हो लेकिन बाहर आपको स्ट्रांग दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गई सबसे बड़ी टिप कि आप जब भी अंदर जाओ हायरिंग के लिए पूछो तब आप लोगों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना है, ऐसे नहीं कि भैया एकदम भोले बन के पूछ रहे हो, भोले बन के पूछने का कोई फ़ायदा नहीं, एक स्माइल होनी चाहिए चेहरे पे पूरे दिन पूरे टाइम बात करते वक्त, ताकि आप लोगों का एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़े सामने वाले के ऊपर। और भैया फिर वो जिसको भी हायर करना होगा ना वो क्या करेगा उसकी मैं बात कर लेता हूँ कि भैया एक पॉजिटिव इंप्रेशन आपका पड़ गया तो मैनेजर क्या क्या चीज़ें कर सकता है। कुल मिला के पिछली बार आपने जो ये बात की है मैनेजर से आर यू गाइस हायरिंग, आपने 3-4 लाइनें जोड़ के आपके रिज्यूमे में जो जो चीज़ें हैं ना वो सारी बता दी है। आप लोग प्रीवियस एक्सपीरियंस भी बता दो, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ ये भी बता दो, मैंने पहले रिटेल शॉप में भी काम किया ये भी बता दो, और आप लोग हायर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ऐसा पूछ लो। तो भैया आपने एक तरीके से क्या किया, बिना रिज्यूमे दिखाए ही आपकी सारी चीज़ें बता दी, रिज्यूमे में जो लिखी हुई है आपने वो सारी चीज़ें बता दी। तो भैया है ना उसको रिज्यूमे देखने की भी कहाँ ज़रूरत है, उसको एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ी है कि भाई इस बंदे को सारा सब कुछ आता है, ये हो सकता है हमारी स्टोर का सुपरस्टार। तब बात करते हैं कि मैनेजर क्या क्या करेगा अगर उसके ऊपर एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ गया आपकी बातों का। मान लेते हैं कि आप लोगों ने ऐसा जाके मैनेजर से पूछा, अब वो हायर नहीं कर रहा होगा तो भी आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो आपसे एक एम्प्लॉयमेंट फॉर्म भरा देगा और बोलेगा कि आप लोग को आपको प्रायोरिटी दी जाएगी जब भी हम हायर करेंगे तब। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई, आपके लिए तो अच्छा ही हुआ ना, मान लो कि
कहीं और जॉब नहीं मिली आपको और इसमें 10-15 दिन में ही हायरिंग निकल गई, तो आप लोग को सबसे पहले कॉल किया जाएगा। तो ऐसा धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। अब मैनेजर क्या करेगा, या तो ये कर लेगा, सेकंड चीज़ क्या कर सकता है भैया, अगर उसको हायर करना होगा तो मैं बोल रहा हूँ वो तुरंत हायर कर लेगा, ऐसे नहीं बोलेगा आई विल लेट यू नो वगैरह वगैरह। मैं बोल रहा हूँ अगर वो रिज्यूमे रख लेता है और बोलता है कि आई विल लेट यू नो, अगर आपका पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं पड़ा तो आप लोग भूल ही जाओ कि वहाँ से कोई कॉल आने वाला है। पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ा और उसने एम्प्लॉयमेंट फॉर्म वगैरह भरवा दिया तो आप लोग समझ लो 50-50 चांसेस है कि आपको कॉल आएगा, और अगर उसको हायर करना होगा तो तुरंत ही वो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म भर के पीछे लेके जाएगा, बोलेगा कि आर यू रेडी फॉर इंटरव्यू, या फिर कल आप इंटरव्यू के लिए आ जाओगे इस टाइम पे, तो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुला लेगा और इंटरव्यू लेके आपको हायर कर लिया। तो यही भैया टिप्स है, अपनी क्या क्या टिप्स हो गई आप लोग खुद सोचो कि अभी अभी मैंने क्या टिप्स बताई है। पहली, आप लोगों को कॉलेज आते ही, मतलब यहाँ पे 10-15 दिन पहले आ जाते हो, आते ही 1-2 दिन के अंदर रिज्यूमे बना के अप्लाई करना शुरू कर देना है। दूसरी चीज़, ऑनलाइन के भरोसे नहीं बैठना है, इंडीड वगैरह की भैया रिप्लाई आएगा आएगा, मुझे नहीं लगता है किसी का रिप्लाई आएगा, हज़ारों में से एक बंदा होता है जिसका रिप्लाई आता है, बाकी सारे लोग ऐसे ही लटक जाते हैं। दूसरी चीज़ कि भैया आपको लोगों को ऑफलाइन लेके जाना है रिज्यूमे, ऑफलाइन अप्लाई करना शुरू करना देना है शुरू से ही, कॉलेज खुलने से पहले से ही स्टार्ट कर देना है। और तीसरी चीज़ हो गई कि भैया आप लोग जब भी जा रहे हो तो आप लोगों को रिज्यूमे हाथ में लेके जाना है, बैग में लेके नहीं जाना है, ठीक है। चौथी चीज़ें हो गई, जिस भी स्टोर में या जिस भी शॉप में घुस रहे हो गूगल पे थोड़ा सा सर्च कर लो वो किस चीज़ की है, और वहाँ पे जाके आपको डल होके नहीं बोलना है, आप लोगों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और एक गुड पर्सनैलिटी के साथ बोलना है, थोड़ा बहुत 1-2 लाइनें, ज़्यादा भी नहीं, मैं मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं बताओगे तो भी चलेगा, थोड़ा बहुत बोल देना कि भैया आई हैव इंटरेस्ट इन रिटेल शॉप वगैरह, तो आर यू गाइस हायरिंग एस अपना, तो भैया एक पॉजिटिव एटीट्यूड आप लोगों को बताना है कि मैं इस स्टोर में काम करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ, तो क्या आप लोग हायर कर रहे हो क्या, तो उससे मैनेजर के ऊपर भी एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा और आप लोगों का काम बन जाएगा। तो भैया अब बात कर लेते हैं कि फाइनल कंक्लूजन अपना क्या रहा जॉब ढूंढने के इसमें। पहली चीज़ तो ये हो गई कि भैया है ना, सारे लोग सोच रहे हैं कॉलेज खुलने के बाद अप्लाई करेंगे, आपने पहले ही करना शुरू कर दिया है, तो मान लो कि 1000 लोग हैं उसमें से कुछ 10 या 20 लोग ऐसे होंगे जो पहले ही अप्लाई करना शुरू कर देंगे। अब 10 या 20 लोग में से भी आपको कंपटीशन में आगे जाना है, तो दूसरी चीज़ क्या हो गई, आप लोग एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जा रहे हो, रिज्यूमे हाथ में लेके जा रहे हो, तो उन 20 में से सिर्फ 10 लोग रिज्यूमे हाथ में लेके गए। अब तीसरी चीज़ क्या हो गई, आप लोग अंदर जाके जो बात कर रहे हो, बात करने का तरीका, तो भैया आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, पॉजिटिव बात की आपने, तो 10 में से भी 5 लोग ऐसे हो गए जिन्होंने एक पॉजिटिव बात करी और मैनेजर के ऊपर थोड़ा बहुत इंप्रेशन पड़ गया। अब भैया आप लोग अगर स्टोर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेके जा रहे हो और 1-2 लाइनें आपने ऐसे ठोक दी उस स्टोर के बारे में, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में, तो मुझे लगता है 5 में से 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जिसका बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ गया मैनेजर के ऊपर और वो तुरंत हायर कर लेगा अगर उसको हायर करना होगा तो। तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि पूरे जर्नी में आप लोगों को जितने भी लोग हैं, जितने भी कॉलेज में हैं सारे लोग, उनके अंदर से आपको कंपटीशन में स्टैंड आउट कैसे होना है, आप लोगों का रिज्यूमे कैसे सिलेक्ट हो, आप लोगों को जॉब कैसे मिले, उसके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स की हमने बात कर ली है यहाँ पे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो के लिए शेयर भी कर दीजिएगा। अब अगला वीडियो अपना किसके ऊपर आएगा वो बात कर लेते हैं कि आपको जब भी हायर किया जाएगा तो स्टार्टिंग के 7 या 8 या 9 दिन ट्रेनिंग पीरियड पर रखा जाएगा, हो सकता है कि आपको उसके सैलरी ना मिले, हो सकता है सैलरी मिले, वो स्टोर टू स्टोर डिपेंड करता है। उस ट्रेनिंग पीरियड में आपको क्या टिप्स एंड ट्रिक्स अपनानी चाहिए ताकि आप लोग हायर होते ही फायर ना हो जाओ, समझ रहे हो, क्योंकि कुछ कुछ मैनेजर ऐसे होते हैं कि भैया अगर इसने इस ट्रेनिंग पीरियड आपको बोलेंगे भी कि हम आपको 10-15 दिन की ट्रेनिंग पे रखेंगे, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो हम आपको पूरे फुल टाइम के लिए हायर कर लेंगे, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हो सकता है कि आपको फायर भी कर दे। तो उसके अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें कैनेडा में कैसे कैसे चलती है स्टोर वगैरह, क्या क्या सिस्टम रहते हैं पूरे सुबह से लगाकर शाम तक, क्या क्या प्रोसीजर रहता है, वो सारा अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आप लोगों को और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता दो, अगला वीडियो उसी के ऊपर आ जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, तब तक बाय बाय, टेक केयर।